स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रंका इंग्लिश पे। आज हम लोग सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि डिड, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, डिड है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नोट, ये नोट क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, नोट, फिर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने मुझे नहीं देखा था, तो डिड यू के साथ, मतलब डिड ही यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। डू डज तो सिंपल प्रेजेंट में होता है। क्या तुमने मुझे नहीं देखा था, डिड यू नॉट सी मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह स्कूल नहीं गया था, तो डिड ही नोट गो टू द स्कूल। नेक्स्ट, क्या उसने तुम्हारी मदद नहीं की थी, डिड सी नॉट हेल्प यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुमने अपनी किताबें नहीं पढ़ी थी, डिड यानी क्या तुमने यू नॉट रीड योर बुक्स। योर यानी कि अपनी, बुक्स यानी कि किताबें, बहुत सारी किताबें हैं एक किताब के बाद में, इसलिए एस यानी कि प्लूरल है ये। बुक्स, डिड यू नॉट रीड योर बुक्स, क्या तुमने अपनी किताबें नहीं पढ़ी थी, डिड यू नॉट नॉट रीड योर बुक्स। नेक्स्ट, क्या वे फिल्म देखने नहीं गए थे, डिड दे नॉट गो टू वॉच द मूवी। क्या तुमने उसे फ़ोन नहीं किया था, डिड यू नॉट कॉल हिम। क्या हम पार्टी में नहीं आए थे, डिड वी नॉट कम टू द पार्टी। क्या तुमने उसने अपनी गलतियां नहीं मानी थी, डिड ही नॉट एडमिट हिज मिस्टेक्स। क्या तुमने मुझे झूठ नहीं बोला था, डिड यू नॉट लाई टू मी। क्या वह काम पर नहीं गया था, डिड ही नॉट गो टू वर्क। क्या तुमने वह किताब नहीं पढ़ी थी, डिड यू नॉट रीड दैट बुक। क्या वे वहाँ नहीं थे, वर, सॉरी ये सेंटेंस वाज वेयर के यूज से बना है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का नहीं है। क्या उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया था, डिड ही नॉट टेल मी हिज नेम। क्या तुमने मुझे ईमेल नहीं भेजा था, डिड यू नॉट सेंड मी द ईमेल। क्या वह खेल नहीं खेले थे, डिड दे नॉट प्ले द गेम। क्या उसने समय पर काम नहीं किया था, डिड सी नॉट डू द वर्क ऑन टाइम। वर्क ऑन टाइम यानी कि समय पर काम करना। क्या तुमने अपना होमवर्क नहीं किया था, डिड यू नॉट डू योर होमवर्क। क्या वे सच्चाई नहीं जानते थे, डिड दे नॉट नो द ट्रूथ। क्या हम बाहर नहीं गए थे, डिड वी नॉट गो आउटसाइड। क्या उसने सब कुछ खो दिया था, डिड ही नॉट क्या उसने सब कुछ खो दिया था, डिड ही नॉट लूज एवरीथिंग। क्या उसने सब कुछ नहीं खो दिया था, ऐसे होगा, ठीक है, क्या उसने सब कुछ नहीं खो दिया था, डिड ही नॉट लूज एवरीथिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल रंका इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।